मैं अंशुल अजमेरा। जैसे कि हर लड़की की इच्छा होती है कि यार शादी नहीं करनी, वैसे मेरी भी इच्छा थी, बट घर वालों की जिद और भगवान की मर्जी के आगे किसी की चलती कहाँ है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। एक दिन पापा का कॉल आया कि तुझे मिलने कुछ गेस्ट आ रहे हैं घर पे, तो तुझे आ रहे हैं। और मैं काफ़ी चिढ़ गया कि यार मुझे शादी नहीं करनी, तो पापा आपको जिनसे मिलना है मिलो, पर मैं नहीं आऊँगा। दो तीन दिन हमारी बातचीत भी नहीं हुई, बट पता नहीं क्यों मेरा मन बदला और जिस दिन मिलना था उस दिन मैं घर पहुंच गया। फिर अगली मीटिंग मेरी उनके पेरेंट्स के साथ हुई इंदौर ऑफिस पे। तो मैंने सोचा कि यार अब क्यों ना सपना के लिए गिफ्ट भेजा जाए। तो मैं सेलिब्रेशंस का बॉक्स लाया और रैप करके मैंने भिजवा दिया मम्मी के साथ कि आपके लिए, और आपको नहीं पसंद आए तो सपना को दे देना। तो इस तरह मैंने पहला गिफ्ट उसे पहुँचाया। फिर फाइनली हमें बुलाया गया उनके घर पर मिलने। तो मैंने एक अच्छा सा स्केच बनवाया उसका, और पहले दिन जब मैं घर गया उनके मिलने तो ले गया, क्योंकि पहली मीटिंग में कुछ स्पेशल होना चाहिए। 3-4 घंटे हमारी बातचीत चली और उसने बहुत बातें करी मुझसे, और मैंने भी उसे काफ़ी अपने बारे में बताया। मैंने जितना टाइम उसके साथ स्पेंड किया वहाँ पे, पता नहीं क्यों काफ़ी कम लग रहा था, और मन कर रहा था यार वापस से बात करनी चाहिए। और मैंने फिर उसे इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेज दिया। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, पर डीपी बदल रहा था, तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि यार कुछ तो चल रहा है। मतलब 4 दिन में 6 DP कौन बदलता है यार। 11th को हम देखने गए थे, और मैंने शायद अपने घर वालों को 11th को यहाँ कर दिया था कि यार शादी तो इसी से करनी है। और 16th को उसने भी हाँ बोला, शायद सिर्फ इसलिए हाँ कर दी थी क्योंकि ना बोलने के लिए कोई रीज़न नहीं था। मुझे इसकी ये आदत अच्छी लगी कि उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा और फिर मुझे हाँ किया। तो अगर वो अपनी फैमिली की इतनी केयर करती है, तो डेफिनेटली मेरी फैमिली और मेरी भी केयर करेगी। 19th को प्लान बना हमारा पहली बार मिलने का। आई रियलाइज दैट शी हैड स्पार्कल इन हर आईज। ढलती हुई उस शाम में उसकी आंखों ने एक रोशनी सी भर दी थी। तो उसकी आंखों को देखकर मैं कह सकता था कि शी हैज़ अ ब्यूटीफुल सोल। वो मोमेंट था जब मुझे उससे सच में प्यार हो गया। आई रियली एडमायर्ड हर ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस, और दैट मोमेंट आई रियलाइज दैट वी आर ट्रूली मेंट फॉर ईच अदर, एंड आई जस्ट फेल फॉर हर। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मेरी लाइफ का एक और अच्छा डिसीजन लिया। मेरी एक छोटी सी कोशिश उस स्पेशल के लिए। अखियां देखो रह जाने दे, कहना है जो कह जाने दे। तेरे ख्यालों में बीते ये रात, दिल मेरा मांगे की दुआ। तू सामने हो और करूं मैं बात, लम्हा रहे यूं ठहरा हुआ। पहले तो कभी यूं मुझको ना ऐसा कुछ हुआ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला हो। एक उसकी आंखों में कुछ तो है जो मुझे बहुत सुकून देता है। उसके चेहरे की वो स्माइल मेरी सारी टेंशन खत्म कर देती है। शी हैज पेंटेड माय ब्लैक एंड वाइट लाइफ विद कलर्स। थैंक यू सो मच सपना, थैंक यू। शायर का ख्वाब जैसे उजली किरण, जैसे मन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वो मेरे सोने आवे छड़ सारी गलियां।